नमस्कार, स्वागत है आज का हमारे इस विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। हॉट टॉक में लगातार हम हर हफ्ते आपसे तमाम सारे देश के मुद्दों को लेकर मुखातिब होते रहते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजा शर्मा मौजूद है। राजा भाई, एक बार आपका फिर स्वागत है। और सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ आपको कि एक बार फिर आपकी जो भविष्यवाणी थी वो सही साबित हुई है दिल्ली के चुनाव को लेकर। दिल्ली का चुनाव एक बड़ा कठिन मुकाबला माना जा रहा था, आम आदमी पार्टी के लिए तो आसान था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ताकत झोंक दी थी, सारे संसाधन लगा दिए थे, कई सारे मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, पार्टी के तमाम सारे पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री और तो और प्रधानमंत्री और उनके गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब लग गए थे, लेकिन पार्टी की करारी हार हुई है दिल्ली में। तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि दिल्ली के चुनाव को आप किस रूप में देख रहे हैं, परिणामों को किस रूप में देख रहे हैं, विश्लेषण की बात अगर कहें तो। दरअसल देखिए, दिल्ली का ये जो इलेक्शन है वो मेनली फोकस था डिलीवरी पे, कि केजरीवाल ने पिछले 5 साल में क्या क्या ऐसे काम किए। ये एक्चुअली वोट ऑन डिलीवरेंस है, वोट ऑन गवर्नेंस है। इसको आप मतलब देखिए क्या हो रहा है, देश की दशा और दिशा दो अलग अलग एंगल से आपको समझना होगी। जब आप लोकसभा के चुनाव में जाते हो तो आप हो सकता है कि नेशनल इशू पे डिस्कस करते हो, नेशनल एजेंडे पे काम करते हो, नेशनल एजेंडे पे वोट मांगने जाते हो। लेकिन जब असेंबली के इलेक्शन में आप जाते हो तो मोर और लेस वो इलेक्शन बहुत छोटा होता है। छोटा होता है तो चाहे आपका विधायक हो, चाहे आपका फिर कॉरपोरेट हो, लोग उसकी पर्सनल कनेक्ट रखते हैं। उससे पर्सनल कनेक्ट का उसका रिपोर्ट कार्ड भी लोगों के पास होता है कि इस व्यक्ति ने पिछले 5 साल में हमारे लिए क्या किया। दरअसल दिल्ली का जो इलेक्शन है, इस पूरे इलेक्शन में आप ये मान के चलिए कि जैसे जैसे वो जी शाहीनबाग, जैसे जैसे इलेक्शन शाहीनबाग की तरफ ज़्यादा चला गया, वैसे वैसे नेशनल मीडिया को ये लगने लगा था कि ये इलेक्शन पोलराइजेशन की तरफ जा रहा है और इसका एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा नेशनल मीडिया इस पर प्रिडिक्ट कर रहा था इनिशियली। जी। लेकिन मेरा ऐसा स्पष्ट मानना था पहले दिन से ही कि जब मैंने पहला रिपोर्ट 26 दिसंबर को फाइल किया था, तब याद हो जी, हमने लिखा था कि एक रात में कुछ नहीं बदलेगा जी, होगा सब कुछ वैसा ही जी जैसा जनता ने तय कर रखा है। जी, नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में हमेशा ये बात कहते आए हैं कि ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है। सही कहा उन्होंने। ठीक है, 2019 में जब इलेक्शन था तो नरेंद्र मोदी लोकसभा को लेकर ये कहते थे कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, चुनाव लड़ रही है देश की जनता। जी, दिल्ली में सब कुछ वैसा ही हुआ जी, ये चुनाव दिल्ली की जनता ने लड़ा। बिल्कुल ठीक है। केजरीवाल केवल उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव थे जी, फेस वैल्यू थे, पार्टी के लीडर थे, दिल्ली की जनता ने खुद ने चुनाव लड़ा और दिल्ली की जनता ने बता दिया। राजा भाई, मैं थोड़ा सा यहाँ इंटरप्ट कर रहा था कि हम इस एसआर टाइम के यूट्यूब चैनल पर भी इसका सीधा प्रसारण कर रहे हैं। जी, तो हाँ वो लाइव दिख रहा है इसमें जी। तो देखिए, ये संदेश पूरा क्लियर था जी, ये चुनाव लड़ रही है दिल्ली की जनता जी। भाई आपने कितना भी उसको सेफ्रॉन वर्सेस सब्सिडी वर्सेस शाहीनबाग कर दिया जी, व्यक्ति को 365 दिन 24 घंटे डे टू डे जो चीज उससे कनेक्ट है उस पर वोट करता है। ठीक है, तो दिल्ली का चुनाव आपने जैसे विश्लेषण के रूप में पूछा, तो विश्लेषण एकदम क्लियर कट एक लाइन में ये कि वोट ऑन गवर्नेंस है, वोट ऑन डिलीवरेंस है। जो केजरीवाल सरकार ने डिलीवरी दी शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, उसका ये एक तरीके से मैंडेट है। एक बात, अब आपको दूसरा चैलेंज देखिए केजरीवाल के सामने क्या रहा, कि उसके पास कुछ करने को नहीं था क्योंकि ऑलमोस्ट राइट है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। केजरीवाल चाहे तो कांस्टेबल का ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं, मालूम आपको? सही बात है। लॉ एंड ऑर्डर जब भी बिगड़ता है दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार के, तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पे उतरती है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। लॉ बिगड़ रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार तो आप लोग हो, क्योंकि सरकार तो आपके पास है, राइट्स तो आपके पास है। सही बात। तो दिल्ली में आपको ध्यान है केजरीवाल लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी गए, LG से भी रिक्वेस्ट किया कि हमको लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हमको मिल जाए, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, होम मिनिस्ट्री के केंद्र होम मिनिस्ट्री जो है गृह मंत्री उनके अंडर में डिपार्टमेंट आता है। और आप मान के चलिए कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे दिल्ली कुछ नहीं कर पाती है, मतलब मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे में उसके पास काम करने को क्या था? शिक्षा, चिकित्सा, सड़क और जो बेसिक एनिमिटी उसके लिए उन्होंने काम किया। देखिए, आपको केजरीवाल का पूरा 8 साल का टर्म देखना होगा सर। जब वो पहली बार आए तो 28 सीटें लेके आए थे और कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार बनाई थी, फिर उन्होंने बीच में से रिजाइन करके विड्रॉ किया और फिर नए सिरे से चुनाव पे गए। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कहती थी भगोड़ा ही है। ठीक है, इस भगोड़े ने 67 सीट लाके दिखाई, आपने 67 सीट आपको लाके दिखाई।
67 मतलब 100% मैंडेट था। अब 67 जब इनके पास था तो वो चैलेंज इनके पास था नहीं कि ऑपोजिशन मजबूत है इसलिए हमारे सामने कोई दिक्कत है। 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, कांग्रेस पहले भी 0 थी, आज भी कांग्रेस 0 है, तो कांग्रेस को तो खोया ही नहीं। कांग्रेस ने कुछ, कांग्रेस ने तो जहाँ थी वहीं खड़ी है, उसके नीचे जमीन ही नहीं थी कि नीचे नीचे धंस जाए, ठीक है। लेकिन इस बार कांग्रेस की मोर देन 65 सीटों पर जमानत जब्त हुई है, ये अपडेट भी है एक बात, ठीक है। तो आप जो मैंडेट पूछ रहे हैं कि किस पे है, तो मैंडेट गवर्नेंस पे है सर। अब जनता समझने लगी, देखिए दिल्ली के अंदर 1,47,00,000 वोटर थे सर, मोर और लेस 42 भी हो सकते हैं सर, मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। 92 लाख लोगों ने वोट किया है, 92 लाख लोग तो फोकट वाले नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही। 92 लाख पीपल आर नॉट फॉर द सब्सिडीज, सही बात है, नॉट फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट, दे आर लिटरेट क्लास। तो आप ये मत, ऐसा मत मानिए कि वो सब सब्सिडी क्लास के लोग हैं। सबको सब समझ में आ रहा है कि ये चुनाव किस दिशा में जा रहा था, और जब शाहीन बाग को ओवर हाइप करके देखा जा रहा था कि बहुत पोलराइज हो गया, तब भी मैं लिख रहा था कि बीजेपी 2 डिजिट में आया तो मुझसे बात कीजिएगा सर, आपको याद। ये बात सही है, आज इस बात को भी सही साबित फिर करता हूँ। सुबह 8:10 पर आपने एक हॉटलाइन पर ब्रेक किया था कि बीजेपी 2 डिजिट में आए तो मुझसे बात कर लेना, आपके ये लिखा था शब्द सही साबित हुआ है। दूसरी चीज, इस पूरे चुनाव परिणामों का इस समय अगर आकलन करें तो 70 सीटों में से 63 पर आप पार्टी जीत चुकी है लगभग, और 7 सीटों पर बीजेपी को मिली है। तो यहाँ बीजेपी को फायदा हुआ है, फायदा इसलिए हुआ है कि पहले 3 सीटें थी अभी 7 हो गई है, और कांग्रेस को न तो कोई नुकसान हुआ है न फायदा हुआ, पहले भी 0 थी अभी भी 0 है। तो अगर हम इस रूप में देखें तो कांग्रेस के लिए संतोष की बात है कि उन्होंने न तो खोया है न पाया है, और बीजेपी ने पाया है, यही मानकर संतोष किया जा सकता है। और जो उनके तमाम सारे प्रवक्ता हैं, जो पार्टी के टॉप लाइन लीडर्स हैं, वो आंकड़ों की बाजीगरी दिखाने की कोशिश करेंगे, हमें 40% वोट मिला है, हमें 30% वोट मिला है, हमारा वोट शेयर बढ़ा है, तो इन सब चीजों का कोई मायना नहीं है, जीत अंततः जीत होती है। देखिए सर, वोट शेयर तो दिलासा देने की बात है जी, मैं हमेशा कहता हूँ ये दिल बहलाने के लिए गालिब के ख्याल बहुत अच्छे हैं, ये आप अपना दिल बहलाओ तो अलग बात है कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, वोट शेयर बढ़ा है। दरअसल हाउस में नंबर ऑफ हेड गिने जाते हैं, सही बात है, आपके पास नंबर ऑफ हेड कितने हैं, यदि नंबर ऑफ हेड 3 है तो भले ही वो 300% वोट लेके आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ मैटर करता है एक एक वोट की कीमत है, एक एक हेड की कीमत है। एक बात, सेफोलॉजिस्टों के लिए अच्छा हो सकता है कि वोट शेयर की बात कर रहे हैं, 42% वोट हो गया, अरे क्या होता है वोट शेयर, डेमोक्रेसी में नंबर ऑफ हेड काउंट होते हैं कि 303 लोकसभा में हुआ तो 303 हो, और यदि 67 आम आदमी पार्टी असेंबली में है तो असेंबली में है। ये वोट शेयरिंग आप लोगों के कैलकुलेशन के अच्छे हो सकते हैं जो प्रवक्ता लोग हैं। सही बात है, शिवराज सिंह चौहान आज तक वो रेड पीट रहे हैं कि हमारा वोट शेयर बढ़ा मध्य प्रदेश में, फिर भी विपक्ष में बैठे हो ना, लाठियां खा रहे हो ना, पानी की बौछारे खा रहे हो ना, वोट शेयर कोई मायने नहीं रखता आपके जनाधार को, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हो सकता है एक बात। लेकिन आपने जो कांग्रेस की बात करी सर, दरअसल कांग्रेस अब अपना गढ़ लूज कर गई जहां पे शीला दीक्षित 3 टाइम चीफ मिनिस्टर आई हैं, ठीक है। वो दिल्ली है जहां शीला दीक्षित की लेगेसी आपके साथ हुआ करती थी, बिल्कुल सही है। शीला दीक्षित को रिप्लेस किया तो केजरीवाल ने किया, भारतीय जनता पार्टी को रिप्लेस नहीं किया था, भारतीय जनता पार्टी को तो सरकार में आए दशकों हो गए होंगे सर, जब मदनलाल खुराना की सरकार हुआ करती थी जी। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी। बीजेपी आज की डेट में दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा लूज होने का बड़ा कारण समझिए आप, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की क्राइसिस है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट, आई एम नॉट अबाउट सेंट्रल। अब यदि राज्य के मामले में भी यदि देखिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चेहरा थोड़ी हो सकते हैं, सही बात है, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप नरेंद्र मोदी चुनावी कैंपेन लड़ रहे हैं और अमित शाह गली गली जा रहे हैं, आपके लोकल लीडर क्या कर रहे हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी आज देश के बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, भारतीय जनता पार्टी के ग्लोबल लीडर हैं, उनकी कैंपेन होना चाहिए, लेकिन अमित शाह गली गली पर्चे बांट रहे हैं, नरेंद्र मोदी पूरा साफा उड़ के बैठे हैं कि ये चुनाव मुझे जिताना है। तो आपकी स्कैटर्ड जो लीडरशिप है ना भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे विजय गोयल हो, तमाम प्रकार के जो वहाँ के लीडर हैं उनकी वहाँ के एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, उनमें इंटरनली बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, इंटरनली बहुत कन्फ्लिक्ट है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि केजरीवाल ने बहुत समझदारी से चुनाव लड़ा, समझदारी से मिंटू से साल भर पहले वो इलेक्शन मोड में आ गया था, भारतीय जनता पार्टी 1 महीने पहले आई थी, वो सरकार में थे, उनको मालूम था हमको कहाँ रिपेयर करना है, कहाँ पे डैमेज हम हो रहे हैं, तो साल भर पहले से वो इलेक्शन मोड में थे, और साल भर से उन्होंने इलेक्शन कैंपेन को एक अंदर तरीके से अंजाम देना शुरू कर दिया था। लेकिन चुनाव की फिजा कब बिगड़ने लगी, चुनाव की फिजा बिगड़ने लगी शाहीन बाग के बाद,
इनिशियली तो सब मान ही मान के चल रहे थे ना कि आम आदमी पार्टी वन साइडेड है, सब लोग मान के चल रहे थे। लेकिन जब शाहीन बाग आया तो सबको लगने लगा कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कंटेस्ट में आ गई हो। लेकिन एग्जिट पोल ने फिर उनको धराशायी कर दिया कि कोई कंटेस्ट में नहीं है। और देखिए आप एग्जिट पोल के आसपास के नतीजे हैं सर, कि ऑलमोस्ट जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो आसपास के हैं। तो मेरा स्पष्ट मानना है ये वोट ऑन डिलीवरेंस है, वोट ऑन गवर्नेंस है। अरविंद केजरीवाल का करियर क्या बताइए आप? अरविंद केजरीवाल 8 साल का पॉलिटिकल लीडर है केवल। अन्ना के आंदोलन से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल को लोग जानने लगे, उसके पहले कोई नहीं जानता था। सही बात है, अब दुनिया जानने लगी अरविंद केजरीवाल। मुझे लगता है ये अपने आप में केस स्टडी हो गई है। दिल्ली का चुनाव बिजनेस स्कूल्स के लिए एक केस स्टडी के रूप में हो गया है कि ये चुनाव कैसे जीता गया, इस चुनाव के पीछे क्या ऐसे कारण रहे जो तमाम, मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के तमाम जितने भी हथकंडे थे, हथकंडे इस्तेमाल कर रहा हूँ, सबको धराशायी करते हुए इतनी बड़ी मैंडेट और विक्ट्री का जो इंडिकेशन है अपन 67 के आसपास का अपन को दिख रहा है। तो आप मान के चलिए कि 63 पिछले 67 थे, अब 63 आ गए, तो 7 सीटें ही आपके पास आ रही है जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से। तो दो बड़े कारण है, कांग्रेस का लूज करने का सबसे बड़ा कारण ये राहुल गांधी ने 4 और 5 तारीख को रस्म अदाई के लिए 2 सभाएं करी है सर। बिल्कुल सही है, प्रियंका गांधी केवल हाथ हिलाने गई थी। सोनिया गांधी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन मैं उस विषय को डिस्कस करना नहीं चाहता, उनका स्वास्थ्य भी अलाउ नहीं करता अब, क्योंकि वो इंटरिम प्रेसिडेंट है इसलिए उनको उनकी पोजिशन पर वो वैलिड है। लेकिन दिल्ली में कीर्ति आजाद, दिल्ली में सुभाष चोपड़ा, इनके आपस में वैचारिक मतभेद हैं, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते हैं, मालूम आपको ये। तो फिर आप चुनाव जीतने की उम्मीद कैसे करोगे? वही दुर्गति भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर, स्टेट के अंदर कोई लीडरशिप नहीं है। मनोज तिवारी अपना राग लापते हैं, विजय गोयल अपने रास्ते चलते हैं, और स्कैटर्ड लीडरशिप होना एक बड़ा कारण उनकी फेलियर का, उनकी हार का। दूसरा डिलीवरेंस पे वोट है, डिलीवरेंस को मैडेंट है। मनोज तिवारी की आपने बात कही, मूलतः वे दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं सबसे पहले तो, और पूर्वोत्तर के लोगों को या बिहार के लोगों को या उत्तर प्रदेश के लोगों को ये लिहाज से मुझे लगता है पार्टी ने वहाँ उनको पूर्वांचली वोटों को अपने तरफ करने के लिए बना दिया गया है। अब आपने कहा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की बात कही, प्रियंका गांधी हाथ हिलाती रही, राहुल गांधी भी 2 गिनती की सभाएं रस्म अदायगी के लिए 2 सभाएं लेकर चले गए। लेकिन जिन लोगों ने बड़ी बड़ी सभाएं ली, जिन लोगों ने पूरा समय दिल्ली के कैंपेन को एक मुद्दा बनाकर पूरे समय, चाहे वे अमित शाह हो, चाहे वे नरेंद्र मोदी हो, तमाम सारे देश के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के थे, कई सारे सांसद वहां मौजूद थे, कई सारे मंत्री वहां मौजूद थे, बावजूद इसके बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो यहां राजा भाई जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है, चाहे मध्यप्रदेश का चुनाव हो, चाहे राजस्थान का चुनाव हो, चाहे छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, या अन्य राज्यों का जहां पर जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई हो, हरियाणा का चुनाव हो या फिर झारखंड का चुनाव हो, इन सब बातों से एक चीज स्पष्ट निकल कर आई है कि केंद्र में जो सरकार बनेगी वो राष्ट्रीय मुद्दों पर बनेगी, और राज्यों की सरकारें स्थानीय मुद्दों पर, लोगों की समस्याओं पर, डेवलपमेंट पर बनेगी। बिल्कुल, देखिए आप तो फिगर गिना रहे थे, मैं आपको टेली करता हूँ। 241 सांसद भारतीय जनता पार्टी के, 71 मंत्री, 71 मिनिस्टर्स, 11 चीफ मिनिस्टर्स, अमित शाह और नरेंद्र मोदी खुद, इतनी फोर्स लगी हुई थी अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए, प्लस एजेंसियां ऑल्सो, उसमें आप जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं उनको भी काउंट कर लीजिए, किसी न किसी तरीके से उन पर एक अलग प्रकार का प्रेशर बनाया जा रहा था। लेकिन जब जनता चुनाव लड़ती है ना सर, तो सब मुद्दे साइडलाइन हो जाते हैं। लोकसभा में देश की जनता ने चुनाव लड़ा, वो भी क्यों लड़ा कि बालाकोट का जो इंसिडेंस हुआ, बालाकोट का जो घटनाक्रम था, उसके बाद एक देश में अलग प्रकार के सेंटीमेंट्स जनरेट हुए राष्ट्रभक्ति के, और राष्ट्रभक्ति के सेंटीमेंट्स के चलते नरेंद्र मोदी की सरकार को 303 सीटें मिली। उसके पहले यदि बालाकोट के पहले बात करें तो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट और बड़े बड़े जानकार ये मान रहे थे कि 225 सीटों के पास आके गाड़ी रुक जाएगी, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि NDA की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी इंडिपेंडेंट मैंडेट नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारे यहाँ दरअसल पॉलिटिकल जब मैनिफेस्टो बनते हैं उसमें डेवलपमेंट की बात होती है, लेकिन जब ये लोग चुनावी मुद्दे में उतरते हैं तो अगेन आई एम रिपीटिंग, हमारे यहाँ चुनाव होता है तिलक, टोपी, शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, लायक नालायक, इन मुद्दों पे। सही बात, इस लेवल पे चुनाव चले जाता है। अब नई चल पड़ी है ट्यूबलाइट, डंडा, गोली मारो सालों को। अब चुनाव जब इस लेवल पे चले जाएगा तो फिर देश की जनता तय करेगी किसके साथ खड़े होना है। हर व्यक्ति समझदार है, स्मार्टफोन ने सबको स्मार्ट बना दिया है, उसके हाथ में एक पावर है उसको समझने का।
कि देश की जनता का रुख क्या है। आप हो सकता है कि आपने ट्रॉल आर्मी बिठा रखी हो पेड, जो आपको दिन भर ट्रॉल करती है, लेकिन ट्रॉल आर्मी वोट कन्वर्ट नहीं कर सकती सर। वोट तो व्यक्ति जब जानने जाता है तो अपने लाभ हानि को देखता है, और लाभ हानि सेंटिमेंट्स अलग हो सकता है। अच्छा चलिए मुझे बताइए, राम मंदिर का फैसला कोर्ट का आ गया, उसके बाद महाराष्ट्र हारे हो कि नहीं हारे हो? भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र लूज कर गई ना, सही बात है। धारा 370 यदि आपको लग रहा था कि ये सेंटिमेंट्स काम करेगा तो वन साइडेड विक्ट्री मिलना थी किसको, भारतीय जनता पार्टी को। मैं शिवसेना की बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी आपसे, क्यों नहीं मिला? जनता समझने लगी कि ये सिस्टम का हिस्सा चलता रहेगा, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, इसको आप अलग आपकी पॉलिसी में रखिए, आप उसको मेटलाइज मत करने की कोशिश में कीजिए कि ये चुनावी मेटलाइजेशन है। जनता समझने लगी है हर आदमी इम्पावर है टेक्नोलॉजी से, वो अच्छा बुरा लाभ हानि समझ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश में हुआ करते तो उनको लगता था कि मैं बहुत टॉल हाइटेड हूँ, लोग मुझे देख के वोट करेंगे, गवर्नेंस की कोई बात नहीं होगी, नतीजा आपके सामने है। रमन सिंह को लोग ये मान के चल रहे थे कि बहुत अच्छा ब्यूरोक्रेट, मतलब बहुत शानदार उनका गवर्नेंस है, नतीजा आपके सामने है। राजस्थान का ऑल नोन था कि एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ बीजेपी आती है। महाराष्ट्र आपके सामने, देवेंद्र फडणवीस का जाना किस रूप में समझ रहे हो आप। फिर हरियाणा में आपने उसके साथ टाई अप किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके खिलाफ चुनाव लड़ा था आपने, चौटाला के साथ। चौटाला को पेट भर भर के गालियां बकरे थे और उसी को आपने टाई अप किया और आपने आपकी जैसे तैसे करके सरकार बचाई। महाराष्ट्र आपके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी 3 डिजिट में आके रुक गई और शिवसेना दूसरी पार्टियों के साथ चली गई है। तो आप लॉसेस गिनिए सर, इंक्लूडिंग झारखंड ऑल्सो। सही बात है, बड़े नुकसान इस समय पार्टियों को झेलना पड़े हैं, विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी को। जैसा मैंने कहा कि चुनाव स्थानीय मुद्दों पर राज्य के चुनाव हुए हैं और इन राज्यों के जो चुनावों ने परिणाम दिए हैं वो चौंकाने वाले रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है जितनी कोशिश जितने प्रयास उन्होंने किए हैं वो नाकाफी साबित हुए हैं और वो परिणाम निराशाजनक ही रहे हैं। निश्चित तौर पर जैसा मैं पहले कह रहा था राजा भाई कि चुनाव जो है चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का, दोनों में अब जो फर्क आया मतदाता के मन की बात को पढ़ना अब आसान हो गया है। पहले आदमी समझ नहीं पाता था, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, वो राष्ट्रीय मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर लड़े जा रहे हैं। वहां कई सारी चीजें गौण हो गई है, चाहे वो बीजेपी की अगर बेरोजगारी की बात करें, चाहे नोटबंदी की बात करें, जीएसटी की बात करें, ऐसे तमाम मुद्दे गौण होने के बाद बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। लेकिन जब हमने बाकी राज्यों के चुनाव की बात की है तो वहां पर मुंह की खानी पड़ी है। आप दिल्ली जैसे प्रदेश में देख लीजिए जहां पर केंद्र सरकार ने सारे संसाधन जोग दिए, केजरीवाल ने जो विकास के कार्य किए, सातों सांसद आपके और वहां पर केजरीवाल ने जो विकास के कार्य किए, जो शिक्षा के कार्य किए, लोगों को बिजली और पानी मुफ्त देने की जो योजनाएं लाई, निश्चित तौर पर उसका भार सरकार पर पड़ेगा, लेकिन लोगों की नब्ज को पकड़ने का काम किया। और कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो दिल्ली की सरकार में अभी तक किसी ठोस रिपोर्ट भ्रष्टाचार की नहीं आई, ये भी एक बड़ा कारण है। देखिए आपने जो सब्सिडी की बात करी ना, कमलनाथ ने क्या किया था बताइए जरा। राहुल गांधी क्या अनाउंस करके गए थे कि 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ, वो क्या है? तो वो भी तो सब्सिडी है ना, बिल्कुल सही, वो भी तो मुफ्त का ही काम है जी। सरकारें इस राह आज से नहीं चल रही है सर। अच्छा चलिए आयुष्मान योजना क्या, चलिए बताइए आप, वो भी हेल्थ कॉन्शियस, आपको अल्टीमेटली आप बेनिफिशियरीज को किसी न किसी रूप में एडवांटेज देने के लिए कोई ना कोई चीज अनाउंस करते हो। जब केजरीवाल से पूछा गया कि ये लोड आपके सरकार के बजट पे पड़ेगा तो उसने कहा मैं पहले प्रॉफिट में ला चुका हूँ सरकार को, जो करप्शन का पैसा हुआ करता था, जो आपने भी बात करी मैं उसी को वैल्यूएट कर रहा हूँ, करप्शन का पैसा उसने बचाया और उस पैसे को ट्रांसफर किया कहाँ पे, सब्सिडी के रूप में। तो उस मॉड्यूल को समझिए आप, जो जितना पैसा करप्शन में जाता था उस पैसे को उसने बचा लिया और उस पैसे को वापस उन लोगों के हाथ में दे दिया जिनका पैसा है। तो जनता का पैसा जनता के पास किस रूप में जाए, ये उसका बिजनेस मॉड्यूल है, किसके, केजरीवाल का, उस रूप में उसने सक्सेस पाया। ये दरअसल केस स्टडी के रूप में होगा सर, आपको बता रहा हूँ, ये बिजनेस स्कूल की केस स्टडी होगा कि कैसे किसी प्रकार से इलेक्शन फ्रॉड किया इतने बड़े इतने साधनों संसाधनों के खिलाफ, क्योंकि दिल्ली एक छोटा सा प्रांत है, इनके पूरा केंद्र सरकार लग गई थी उसको हराने में। इसका मतलब कि उसने एक बिजनेस मॉडल के हिसाब से काम किया और ब्रेन उसका उसी पे फोकस था कि हमको डिलीवरी पे बात करना है और डिलीवरी पे वोट मांगना है। उसने चुनाव में कहा कि यदि आपको लगता है कि आपके मोहल्ला क्लिनिक ठीक चल रहा है तो आप मुझे वोट कीजिएगा, आपको लग रहा नहीं है तो आप अपनी मर्जी से दूसरे को वोट कीजिएगा। उसने कहा यदि आपके बच्चों को अच्छा स्कूल मिल रहा है तो आप हमें वोट कीजिएगा, अदरवाइज हमको मत कीजिएगा। उसने कहा यदि आपको चिकित्सा सुविधाएं ठीक मिल रही है तो हमें वोट कीजिएगा, अदरवाइज। इतना ओपन कौन कह सकता है, जिसने कुछ किया होगा तभी तो कह सकता है। इसलिए चुनाव उसने ग्रिप, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा फोकस किया साइन बार पे, केजरीवाल ने उधर इंक्लाइन भी नहीं किया,
केजरीवाल उधर गए भी नहीं, इसलिए नहीं गए कि वो रास्ता उनको मालूम था कि यदि उस जाल में फंस गए तो फिर सेंटीमेंट बदल जाएंगे तो ये करा धराया पे पानी फिर जाएगा। तो मोटा मोटी अपन बात करें तो पूरा चुनाव जो था डिलीवरी पे था। सही बात है, लेकिन इस कार्यक्रम को खत्म करने के पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के परिणाम लगभग आ चुके हैं। 63 सीटों पर केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी विजयी हुई है और 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है या जीतने की पूरी उम्मीद है। कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई। ऐसे तमाम सारे चुनाव परिणामों को लेकर जो आकलन थे वो एग्जिट पोल थे वो सही साबित हुए और उनसे भी ज्यादा उम्मीद से ज्यादा सीटें जीती है। सारे एग्जिट पोल को झुटला दिया है ये बात। तो कंपनी का एग्जिट पोल अप टू द मार्क रहा है। लेकिन राजा भाई चलते चलते सबसे पहले तो हमारी आपकी हॉटलाइन वाली जो बात है वो हॉटलाइन की खबरें सारी ऑथेंटिक रही और जो कुछ भी रहा वो सब कुछ आज सुबह का इंसिडेंट जो मैंने शुरुआत में सुनाया वो भी परफेक्ट था और इसके पहले जो प्रेडिक्शन हुआ था वो भी सारा परफेक्ट था। अब एक बड़ा सवाल इस समय जो निकल कर सामने आया है, जैसा आपने कहा कि तिलक तराजू तलवार तमाम सारे मुद्दे आएंगे, फिर डंडे की बात आई। राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि नरेंद्र मोदी अब जब देश में निकलेगा तो उसको लोग डंडे मारेंगे। प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में कहा कि अब मैं सूर्य नमस्कार ज़्यादा करूँगा कि मुझे ज़्यादा डंडे खाना पड़ेंगे, 6 महीने तो उनको इसको वक्त देना ही पड़ेगा। तो इस तरह की जो भाषा का उपयोग हुआ है देश के प्रधानमंत्री के लिए किसी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता सांसद द्वारा इस तरह से भाषा का अपमानजनक भाषा का उपयोग करना कितना सही है ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी इतने एडवर्स कमेंट्स रहे हैं। जब ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब भी खून से सने हुए हाथ के कमेंट्स इनके ऊपर लेकर रहे हैं और अपोजिशन ने इनके ऊपर खूब आरोप लगाए थे। देश जब जैसे जैसे चुनाव पीक पर जाता है ना वैसे वैसे हमारे राजनेताएँ धरातल पर जाते हैं। हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं जैसे जैसे इलेक्शन पीक पे जाएगा वैसे वैसे ज़मीन पकड़ते हैं, उनके कमेंट्स एकदम एडवर्स आने लगते हैं। अब उन्होंने कहा जनता आपको डंडे मारेगी, उन्होंने ट्यूबलाइट और तमाम प्रकार के उसके रिएक्शंस दिए। जनता सब समझने लगी है सर कि देखिए एक सस्ती लोकप्रियता किसी मुद्दे पर हासिल करना एक हमेशा महंगी पड़ती है किसी भी पार्टी को किसी भी व्यक्ति को। आप जब जब सस्ती लोकप्रियता हासिल करोगे आप ही को महंगी पड़ेगी क्योंकि आप उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हो कि आपका ये कमेंट्स अल्टीमेटली बहुत चीप है। चीप कमेंट्स आदमी बर्दाश्त नहीं करता। दिल्ली बहुत मैच्योर्ड बहुत ही हाईली लिटरेट लोगों की है, देश की राजधानी है पूरी, मतलब कैपिटल के साथ साथ वहाँ पे पॉलिटिकल पल्स वहाँ से जनरेट होती है। इसलिए दिल्ली को यदि इस रूप में देख रहे थे चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो तो मुझे लग रहा है उन्होंने गलत नब्ज पकड़ ली थी। और ख़ास तौर से अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए ये बड़ी चुनौती के रूप में आया है कि हम जहाँ बैठे हैं वहाँ 4 सीट बढ़ा पाए हैं, पहले 3 थी अब सीधे 7 हो रही जो ट्रेंड बता रहे हैं। इसका मतलब ये देश की नई पॉलिटिक्स का एक कैनवास है, इसको समझना चाहिए। अन्य राज्यों में इलेक्शन आएगा, बिहार में आएगा, फिर पश्चिम बंगाल में आएगा, आप ये देखिए कि किस प्रकार से इंक्लाइन हो रहा है चुनाव, कहाँ शिफ्ट हो रहा है, चुनाव शिफ्ट हो रहा है गुड गवर्नेंस पे, डिलीवरेंस पे। और खास तौर से यदि आपकी एरोगेंसी है तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। केजरीवाल की सबसे बड़ी खासियत क्या है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ईजी है, पोलाइटनेस है, हम्बलनेस है। वो तो दरअसल अफसर रहा है, उसकी 7-8 साल का पॉलिटिकल करियर, आप तो 70 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हो, आप तो 82 से बने हो ना भारतीय जनता पार्टी, तो उस पार्टी की लाइफ क्या चलिए बताइए आप, उस पार्टी की लाइफ 8 साल है लेकिन ये लाइफ 80-100 साल की कांग्रेस होगी मेरे हिसाब से 82 भारतीय जनता पार्टी की बर्थ है तो कितना लंबा पीरियड है उनका आप ये देखिए। तो मुझे लग रहा है जनता समझने लगी है कि पॉलिटिक्स इंक्लिनेशन किधर है। और दिल्ली में जिस तरीके से पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंक दी थी उसके बाद ये रिजल्ट आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि पोलराइजेशन के अलावा दूसरे मुद्दों पर काम करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के तो डेवलपमेंट पे बात करा करते थे, अब डेवलपमेंट की बात मोदी जी ने कम कर दी है, बंद कर दी, एक बड़ा कारण है। तमाम सारे मुद्दे जिन्होंने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर संतोष कर सकती है कि उसकी 3 से 7 सीटें हो गई है, इस बात को लेकर संतोष कर सकती है कि वोट शेयर बड़ा है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने फिर प्रचंड विजय हासिल की है। 63 सीटों के लगभग उनकी टोटल आंकड़ा छूने को जा रहा है और दिल्ली में एक बार फिर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन रहे हैं। देश के तमाम सारे मुद्दों पर हम लगातार डिस्कशन करते रहते हैं, आज का मुद्दा दिल्ली का चुनाव था। तो आज के इस हॉट टॉक कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।